हेलो नमस्ते दोस्तों, मनीष सराय ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ तरबूज का आइसक्रीम। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। घर में पड़ा था तरबूज तो मैं सोची है कोई खा ही नहीं रहा तो मैं आज आइसक्रीम बना देती हूँ। बच्चों को बहुत पसंद में आएगा और बड़े भी खा लेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी काटने लगी और उसको फिर काट के बीज निकाली। एक भी बीज ना रहे इसमें, नहीं तो आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी। बच्चे भी काले काले देख के नहीं खाएंगे और बेकार लगेगा, तीत 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 आने लगेगा। और अच्छे से बीज निकाल के इसको छोटे छोटे भाग में काट लीजिए। और काटे के बाद थोड़ा मिक्सी जार में इसको अच्छे से पीस लीजिए ताकि थोड़ा सा गुठली इसका ये बड़ा बड़ा वाला साइज ना रह जाए, नहीं तो आइसक्रीम जमेगा अच्छे से नहीं। और पीसने के बाद फिर उसमें पीसने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा मिक्सी में चीनी डाल दीजिए। पहले से मैं मिर्ची चीनी पीसी तो इसमें था, इसीलिए मैं और 2 चम्मच ही चीनी वीडियो बोल के बना रही हूँ। जो उसमें भी गलती होगा आप लोग माफ़ करिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और शेयर करिए मेरे वीडियो गर्मियों के को। मौसम में तरबूज खाना ही चाहिए, डेली खाएं तभी सही रहेगा, नहीं तो शरीर में पानी कम होने लगता है। कमेंट जितना करके पानी बताइए उतना ही किसके कम किसके होने बच्चों लगता को है। इस सब तरबूज गर्मी और तो बहुत आइसक्रीम ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा पसंद है। मेरे बच्चे तो डेली आइसक्रीम खाने के लिए बोलते हैं पर मैं नहीं खिलाती हूँ क्योंकि लू लग जाएगा बच्चों को, इसीलिए मैं नहीं खिलाती आइसक्रीम उन लोग को। मैं सोची घर पे ही बना देती हूँ आज तरबूज का। इसको अच्छी तरह से ऐसे छान ले, अगर छन्नी से नहीं छन रहा है तो सूती कपड़े है तो उसमें डाल के अच्छे से इसको छान ले। और इसको छोटे गिलास हो या कप या डिस्पोजर वाला गिलास होता है जो चाय पीने वाला, उसमें रख के जमा लीजिएगा। सांचा नहीं है आइसक्रीम का तो घर में पड़ा था ये लकड़ी का सा चम्मच वाला, तो मैं सोचती इसी को काट के बना देती हूँ। क्या इसको मंगाऊं या लकड़ी किसी को कोई और फंसाऊं, गंदा रहता है, इसलिए मैं इसी सोचूं कि अच्छे से बना के फिर इसको लगा देती हूँ। तो मैं काटने लगी चाकू से, इसमें थोड़ा थोड़ा ही डालें, पूरा फूल ना कीजिए ताकि अच्छे से वो जम जाए। और मैं सोची कि चारों में आ जाएगा पर आया नहीं, 3 ही गिलास में आया। और इसको अगर जिसके घर पे सिलोर पेपर नहीं हो तो पॉलीथीन से भी लगा के उसके रबड़ लगा दीजिए चारों तरफ और फ्रीजर में रख दीजिए रात भर के लिए, जम जाएगा। मैं लगाई रही थी तब तक कि मेरा बेटा बोला मम्मी दीजिए मैं भी लगा देता हूँ, क्योंकि बच्चों को आइसक्रीम खाने कितना उतारू रहते हैं कि जल्दी से बन जाए जल्दी से मैं खा लूँ। तब तक कि वो बोला दो मम्मी जल्दी से मैं लकड़ी इसमें लगा देता हूँ। मैं बोली बाबू रुक जाओ मैं कर ही रही हूँ, अब आप ही लोग के खाने लिए तो इसे बना रही हूँ। और इसमें लकड़ी लगाते लगाते तो थोड़ा सा ये इसमें में घुस हल्का सा ज़्यादा इसमें छेद हो गया था। तब तक कि बोला मम्मी अच्छे से जमेगा ही नहीं, सोची हो जाएगा बाबू। सुबह मैं 10 बजे तक की आइसक्रीम निकाली तो देखिए कितना अच्छा पूरा जम गया है, एकदम मस्त परफेक्ट जैसे आइसक्रीम बनता है उसी तरह हो गया है एकदम। थोड़ा सा मैं सोची कि ऐसे ही निकल ही नहीं रहा है तो कटोरी में पानी ली, उसके बाद हल्का हल्का इसमें रख दी, हल्का सा फिर अच्छे से उसको हिला हिलाई फिर निकल गया अच्छे से। तब तक के सब बाबू मेरा देखा मम्मी जल्दी करिए मुझको दीजिए, मैं बोली रुक जा बाबू वीडियो तो बना लूँ। इसका कलर देखिए कितना अच्छा है एकदम से एकदम, बहुत देख के ऐसा मन कर रहा था कि मैं भी खा लूँ, पर 3 ही पीस था, बच्चे और आ गए थे उधर से। मेरा बाबू बोल रहा था मम्मी उन लोग को भी दे दीजिए आइसक्रीम, मैं बोली अच्छा लो आप लोग खा लो फिर मैं बनाऊँगी कभी तो मैं भी खाऊँगी। देख के इतना अच्छा लग रहा था, आप भी देख लीजिए दोस्तों, आप लोग भी एक बार ट्राई करिए ज़रूर और अपने बच्चों को घर पे ही बना के आइसक्रीम खिलाएं, बहुत अच्छा लगेगा। तरबूज का आइसक्रीम बहुत ही अच्छा बना है।